to me according to your word, according to your promise. I can stand secure. Come upon my heart, truth that sets me free. According to your word, O Lord, receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me according to your word, according to your promise. I can stand secure. Carve upon my heart, according to your word, O Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. To carry our sorrows, you promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. We believe you promised an ending tomorrow. Lord, we receive them from you. Provider, in your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. भजन 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा,
धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम सिखा रहे हैं अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करना। जो दिल स्थापित है प्रभु के वचन पर, यह ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जैसे भजन 112 में बताया गया है। मैंने आपको बताया था कि यह चित्र है, एक सिद्ध चित्र है कि विश्वासी कैसा होना चाहिए। इसलिए आईने में अपना चेहरा देखने के बजाय कि देखें कि आप कैसे हैं, इस चित्र को अपने सामने रखें, भजन 112 को अपने सामने रखें और प्रतिदिन इसे थोड़ा देखते जाएं। जैसे आप इस वचन को पढ़ते हैं तो कहें, मैं यही हूं, ये मेरे बारे में बताता, ये तो मैं ही हूं, तो आप जानते हैं कि आप सच में कैसे दिखते हैं प्रभु की आंखों में। प्रभु आपको ऐसे ही देखता है। अब ये वचन बताता है कि आत्मा, प्राण और शरीर, हमारा धन और उस व्यक्ति का हर दृष्टिकोण जिसका दिल प्रभु के वचन से भरा है। देखिए, दिल सही है तो जीवन सही है। आपने दिल की रक्षा चौकसी से करना, क्योंकि इसी से जीवन का स्रोत है। तो जीवन दिल से बहता है, दिल प्रभु के लिए सबसे मूल्यवान है। इसलिए जब प्रभु हमारे बारे में कहता है कि हमें कुछ देता है, तो वो हमें कुछ देने के लिए नहीं कहता। वो नहीं कहता कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि प्रभु को पैसे नहीं चाहिए। हम देते हैं प्रभु को देने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु को देने वाले हम कौन? क्योंकि दाऊद कहता है, हम तुझे देने वाले कौन है प्रभु, क्योंकि हमने सब कुछ तुझसे पाया है। यहां कोई नहीं जो प्रभु को दे सकता है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ दिया है और हमने कभी कुछ नहीं बनाया, हमने कभी कुछ नहीं बनाया, तो प्रभु को कैसे दे सकते हैं? हम देते हैं। कैसे देते हैं? हम बीज के रूप में देते हैं। जब हम बीज के रूप में देते हैं तो वो फसल लेकर आता है। हमारा भविष्य हमारे देने से निश्चित होता है, क्योंकि देने से हम विश्वास में काम करते हैं। हम दिखाते हैं कि हमारा प्रभु कौन है, हमारा स्रोत कौन है और हमने किस पर भरोसा रखा और ये सब। तो हमारा देना तो ऐसा नहीं कि हम प्रभु को देते हैं। प्रभु हमसे जो मांगता है वो पैसा नहीं है या और कुछ नहीं है, वो हमारा दिल मांगता है। वो दिल में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता? देखिए, उसके पास यही तो नहीं है आपका दिल। उसके पास बाकी सब कुछ है, सारा सोना चांदी, अगर आप मांगो तो देगा। लेकिन बात यह है कि वो आपका दिल चाहता है। यदि मनुष्य अपना दिल प्रभु को दे, देखिए उद्धार इसी के बारे में है, फिर प्रभु उस मनुष्य में काम कर सकता है, तब वो अपनी इच्छा और योजना उसमें पूरी कर सकता है। तो वो कहता है कि मुझे अपना दिल दो। संसार में सबसे बढ़कर वो कहता है मुझे अपना दिल दो। तो वो मुझे बताता है कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपका दिल और मेरा दिल सबसे कीमती है। प्रभु वहां वास करना चाहता है, प्रभु वहां अपना वचन रखना चाहता है। ये दिल डर के लिए नहीं है, संदेह के लिए नहीं है, ये बेकार की चीजों को भरने के लिए नहीं, ये इन सारी दूसरी चीजों से भरने के लिए नहीं जिसे हम कई बार भरते हैं, पूरी गड़बड़ी और संदेह से और डर और चिंता और इन चीजों से। कुछ लोगों का दिल आज परेशानी में है, उनका जीवन बड़ी परेशानी में है, क्योंकि उनका दिल परेशानी का दिल है, इन सारी चीजों से भरा है, जिसके लिए प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि आपके दिल को भर दे। प्रभु कहता है मुझे अपना दिल दो और मैं सारी भली चीजों से उसे भरूंगा, और उससे आपका जीवन आता है, आप जिएंगे। आमेन। तो क्या आपने अपना दिल प्रभु को दिया? एक बार प्रभु को दिल देने के बाद वो आकर वहां रहता है और आपके दिल को प्रभु वचन से भरता है, और फिर ये सारी चीजें आपके जीवन में वास्तविकता होती है। अब मैंने आपको बताया कि हमें कुछ सत्य लेने होंगे और उसे अपने दिल में रखना होगा और अपने दिल को उससे भरना होगा। खाली दिल, जो यीशु ने कहा कि जब आप घर को साफ करके खाली छोड़ते, वहां की दुष्टात्मा को निकालकर उसे साफ करते हैं और किसी भलाई से उससे नहीं भरते, तो जाकर शैतान जाकर और साथ को लाता है उससे भी बुरे और आकर जगह लेता है। तो दिल भी खाली रखने की जगह नहीं है। ये इसलिए नहीं कि साफ करके खाली रखे, ये किसी चीज से भरने के लिए है। हमें प्रतिदिन सक्रिय रूप में दिल को भरते जाना है। आमेन। यानी इसे प्रभु वचन से भरे। सबसे पहले आप इसे सत्य से भरे कि आप नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। दूसरी चीज जिससे भरना है कि वो महान आप में रहता है। आप में जो रहता है उससे बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी समस्या, परेशानी जिसका सामना करते उससे बढ़कर नहीं है। आमेन। शैतान बड़ा नहीं, कोई समस्या शक्ति उससे बढ़कर नहीं जो आप में रहता है। तीसरी बात, आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं। परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु की धार्मिकता है। आमेन।
और चौथी बात, आप छुड़ाए गए हैं, आपको खरीदा गया है, कीमत देकर खरीदा गया है, आप परमेश्वर के हैं, आपके पास छुटकारा है, बाइबल कहती है, अब हम इसे देख रहे हैं। ये चौथी बात छुटकारे के बारे में। मैंने बताया था कि छुटकारा समझने के लिए आपको समझना होगा कि छुटकारे के दो पहलू हैं जो स्पष्ट रूप में बताए गए हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 में, जहां यह बताता कि कैसे विश्वासी शैतान पर जय पाते हैं। ये कहता है उन्होंने उस पर जय पाई मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचन से। यानी जय पाना तो तीन मुख्य बातों से होता है, एक मेमने का लहू, दो प्रभु का वचन, तीन उनकी गवाही। सब लोग कहें मेमने का लहू, प्रभु का वचन, उनकी गवाही। मेमने का लहू तो वो है जो यीशु ने किया है परमेश्वर के मेमने के रूप में कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा। प्रभु के वचन का संबंध उससे जो परमेश्वर ने कहा कि लहू करेगा। बाइबल इसी के बारे में है, जो लहू ने किया वो हम पर घोषित किया गया है, प्रभु के वचन में प्रकट किया गया। यानी लहू जो क्रूस पर बहाया गया, हमारे पास बाइबल है जो ये बताती है कि उसका क्या अर्थ है, वो हमें क्या देता है। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारी गवाही। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि छुटकारे के दो पहलू हैं, एक तो वो है जो परमेश्वर ने किया है, ये नैतिक पहलू है, ये हो गया, पूरा हुआ। और दूसरा जो छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है, छुटकारे का नैतिक और व्यवहारिक पहलू, नैतिक पहलू तो परमेश्वर ने किया है, व्यवहारिक पहलू तो हमें करना चाहिए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू कलवरी के क्रूस पर दिया और उसकी ओर से उसने हमें विवरण दिया है, हमें प्रकाशन दिया कि आज उसका हमारे लिए क्या अर्थ है, लहू क्या करता है। वो दिया यहां प्रभु के वचन में, वो चाहता है कि इसे लेकर हमारी गवाही बनाए। हमारी गवाही के बिना जय नहीं मिल सकती, विजय नहीं मिल सकती। लहू बहाया गया इसलिए आप जय नहीं पाएंगे, आप जय नहीं पा सकते क्योंकि आपके पास बाइबल है। आप जय पा सकते हैं जब आप बाइबल की बातों को लेते और जो लहू ने किया है उसे अपनी गवाही बनाते। आपकी समस्या एक बात कहती है और वचन दूसरी बात कहता है, इनमें से कुछ भी अपने आप आपके लिए नहीं होगा, ये नहीं होगा। काश ऐसा होता तो सारी समस्या हल हो जाती, हम बस बैठकर कहते खैर जो भी समस्या है वो तो होगी ही, तो बस हम यहीं पर बैठते हैं, जो भी बाइबल कहती वो होगा, तो आशा करते हैं कि ऐसे ही हो जाए। नहीं, जो भी बाइबल कहती या जो भी समस्या कहती है वो अपने आप नहीं होगा। आपकी गवाही क्या है वही होगा। क्या आप वही लेंगे जो बाइबल कहती है, या आप वो कहेंगे जो आपकी परिस्थिति कहती है। आप जो लेते हैं और आप जो कहते हैं वही आपके साथ होने वाला है। यह सफल मसीह जीवन के लिए चाबी है। ठीक है, अब बात तो यह है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि बाइबल को सही तरह से कैसे समझे, इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु वचन का उपयोग कैसे करें। प्रभु वचन का उपयोग करना जानना चाहते हैं, मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 5। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप परमेश्वर का वचन ऐसे उपयोग करें कि छुटकारे के इस व्यवहारिक भाग को क्रियाशील करें अपने जीवन में सही तरह से, कि सब काम करने लगे। अध्याय 5 इब्रानियों की किताब वचन 12 और 13। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई आकर तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। वो कुछ समय से सिखा रहा था, वो कहता है कि जितने समय से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तुम्हें अब तक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी शिशु हो, तुम्हें अभी भी दूध चाहिए, मुझे तुम्हें पहले सिद्धांत फिर से सिखाने पड़ रहे, वो कहता है। तुम अन्न नहीं खा सकते, तुम्हें दूध चाहिए, वो कहता। और फिर क्या समस्या है, वो उन्हें क्यों मसीह में शिशु कहता है, और फिर वो उन्हें क्यों कहता है कि परिपक्व नहीं हो, आत्मिक रूप में नहीं बड़े हो, किस कारण वैसे हुए थे। सुनिए वचन 13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की, धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। यानी आत्मिक शिशु कौन है, आत्मिक बच्चा कौन है, वो जो परमेश्वर के वचन में माहिर नहीं है। यानी जो लोग प्रभु के वचन का उपयोग करने में माहिर नहीं है वो बच्चे हैं, मतलब उनके पास बाइबल है और बाइबल बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये क्या कहती है और खुद के लिए इसका प्रभावी उपयोग कैसे करें। इसलिए वो माहिर नहीं है, उन्हें इसका उपयोग पता नहीं, उन्हें पता नहीं कि इसका अभ्यास कैसे करें। वो प्रभु के वचन में परिपक्व नहीं है, इसलिए वो शिशु हैं, उन्हें बहुत सी मदद चाहिए, वो महान चीजों के लिए नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि प्रभु के वचन के उपयोग में कैसे माहिर हो सकते हैं।
प्रभु के वचन का उपयोग करने में माहिर कैसे हो जाएं? या चलिए इसे सरल रूप में कहूं, वचन का उपयोग कैसे करें? कितने लोगों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल उठा सकते हैं? सब लोग अपनी बाइबल उठाइए। प्रभु की स्तुति। आशा करता हूं कि आपके हाथ में क्या जानते हैं, आप इस हफ्ते और अगले हफ्ते इसी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि प्रभु का वचन किस बारे में है और सच में कैसे प्रभु के वचन का उपयोग करें। आशा करता हूं इसे जानते हैं, लेकिन आज मैं इसे दिखाऊंगा अच्छी तरह से इसका उपयोग कैसे करें। आपको प्रभु वचन के बारे में बात समझनी है। प्रभु का वचन क्या है? आज बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु का वचन भरा है जीवन जीने के तरीके से, साफ धार्मिक जीवन के लिए। इसका उपयोग जीने के तरीके के रूप में करना है, साफ धार्मिक जीवन के लिए। मैं ये बताकर चकित कर दूंगा कि प्रभु का वचन इस कारण नहीं दिया गया है। हालांकि आप बाइबल से जीने का तरीका ले सकते हैं और जीने का तरीका अपना सकते हैं और सिखा सकते हैं। आप यहां जीने का तरीका ले सकते हैं, मतलब जीने का सबसे अच्छा तरीका यहां है, लेकिन बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई है जीने के तरीके के रूप में कि हम इन नियमों में चले, इन विधियों में चले और बस इसी तरह जिए। नहीं, ये इस उद्देश्य के लिए नहीं दी गई है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल सिद्धांतों की किताब है। हम विश्वास करते तो जानना चाहिए कि क्या विश्वास करते। तो कुछ लोग कहते हैं, जानते हैं क्या विश्वास करते हो? जानते हैं कि क्या विश्वास करते? विश्वास तुम्हारी आस्था है, विश्वासी के रूप में पैदा हुए, जानते हो क्या विश्वास करते? तो ये जानने के लिए बाइबल खोलते हैं कि जाने की क्या विश्वास करते हैं। मैं आपको फिर से बताऊं, मैं चकित करूंगा ये कहने से कि बाइबल सिद्धांतों की किताब नहीं है। हालांकि सिद्धांत बाइबल से लिए गए हैं। परमेश्वर के बारे में सिद्धांत, यीशु मसीह के बारे में सिद्धांत, पवित्र आत्मा, वचन से संबंधित सिद्धांत, मनुष्य के संबंधित सिद्धांत, बाकी सारी चीजों से संबंधित सिद्धांत, मसीह जीवन में सब कुछ, सारे सिद्धांत यहीं से लिए गए हैं। लेकिन बाइबल हमें सिद्धांत की किताब के रूप में नहीं देखनी चाहिए। ये इतिहास की किताब के रूप में नहीं दी गई है कि आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में जाने कि क्या हुआ था वो कहानी। ये इतिहास की किताब नहीं है, ये सिद्धांतों की किताब नहीं, ये जीने के तरीके की किताब नहीं है। मैंने जानबूझकर ये कहा कि स्पष्ट समझ ले कि ये किताब क्या है। तो फिर ये क्या है? क्या है जिसे आपने थामा है? हम ये किताब क्यों पढ़ते हैं? हम ये किताब क्यों खोलते हैं? हम ये किताब क्यों खरीदते हैं? प्रतिदिन इसे क्यों पढ़ते हैं? क्यों? मैं आपको बताऊं, बाइबल वाचा का वचन है। प्रभु ने वाचा बांधी और वाचा लहू की वाचा है और हर वाचा में उसके साथ कुछ प्रतिज्ञाएं होती है। स्वर्ग के परमेश्वर ने ये जो वाचा बांधी है इसमें उसने कुछ करने की प्रतिज्ञा की है कि वो हमें कुछ चीजें देगा और उस वाचा की शर्तें यहां प्रभु के वचन में दिए गए हैं। और जबकि वो वाचा का परमेश्वर है और सब कुछ वचन से ही बनाया है और सब कुछ वचन से थामे रखा है, प्रभु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने वचन का परमेश्वर है, इसलिए उस पर भरोसा रखते हैं। वो जो भी कहता है वो करेगा, उसके वचन में उसे पूरा करने की सामर्थ है। उसने कहा है तो उसे करेगा, क्योंकि उसने जो कहा उसे करने की सामर्थ पहले से ही उसके अंदर है। इसलिए उसने कहा कि मेरा वचन कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा उसे किए बिना जिसके लिए मैं भेजता हूं। उसका वचन कभी जमीन पर नहीं गिरेगा। वो एक भी बेकार शब्द नहीं कहता है। वो जो भी कहता है वो पूरी तरह से होता है, हो सकता है, उसकी गारंटी है। अपना जीवन इस पर लगा सकते हैं, ये पूरा होगा। परमेश्वर ऐसा ही है। प्रभु अपने वचन का परमेश्वर है। ये वचन का परमेश्वर, प्रभु जो अपने वचन की विश्वास योग्यता के लिए जाना जाता है, प्रभु जो कहता है, प्रभु जो अपनी इच्छा बताता है, प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है, प्रभु हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। उसने ये कहा है वाचा के रूप में, उसने वाचा स्थापित की है और उसने कुछ वचन कहे हैं और वो वचन यहां पर लिखे गए हैं और उसने हमें गारंटी और शाश्वती दी है उस वाचा की कि उसने जो कहा है वो जरूर करेगा, वो इसे करेगा। उसे गारंटी और शाश्वती नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से उसने आगे बढ़कर इसे हमें दिया है। और वो गारंटी और शाश्वती तो यीशु मसीह और उसका बहाया लहू है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो वचन इस किताब में पाए जाते हैं वो प्रभु की प्रतिज्ञा के वचन हैं, वाचा की प्रतिज्ञाएं। ये वाचा की किताब है। मेरी ये वाचा परमेश्वर के साथ है और इस वाचा में परमेश्वर ने खुद को बांधा है कि मेरे लिए कुछ निश्चित काम करे। उसने बस केवल इसे अपने मुंह से नहीं कहा, उसने घोषित किया है। और वो झूठ नहीं बोलता और न बोल सकता,
बाइबल कहती है। उसने केवल इसे कहा नहीं, लेकिन इस पर उसने यीशु के लहू की मोहर भी लगा दी है। अब इसके बारे में सोचिए, गंभीर बात है। तो जब भी मैं ये किताब लेता हूं, ये किताब सामान्य किताब नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए प्रभु की वाचा के वचन है, वो मेरा वाचा का पार्टनर है। उसने कुछ घोषित किया है, उसने खुद को किसी चीज के लिए बांध दिया है जो मेरे लिए वो करेगा, वाचा के रूप में। उसने कहा वो मेरे लिए यही करेगा, अपने प्रेम के कारण उसने अपने पुत्र को भेजा कि मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर मर जाए, और मैं इस पुत्र में विश्वास करता हूं मेरे उद्धारक और मेरे प्रभु के रूप में, और इसीलिए मैं परमेश्वर के साथ इस वाचा के संबंध में आया हूं। अब प्रभु ने अपने महान प्रेम के कारण खुद को मेरे साथ इस वाचा में बांधा है और मेरे लिए कुछ करने की प्रतिज्ञाएं की है, और मेरे साथ अपने वचन से वो खड़े रहेगा, और उसने प्रतिज्ञा के साथ वचन पर मोहर लगाई है, वचन पर यीशु मसीह के लहू से मोहर लगाई। यानी जब मैं ये वचन लेता हूं तो मैं उससे देख रहा हूं जो इस संसार की किसी भी चीज से बढ़कर है। ये बड़ा है मेरी सारी समस्याओं से, मैं जिन चीजों में से जा रहा हूं उससे ये बढ़कर है, ये मेरी सारी मुश्किलों से बढ़कर है। मैं इस जीवन में जो आशाहीनता का सामना कर रहा हूं यह उससे बढ़कर है। मैं इस जीवन में जिसका सामना कर रहा हूं यह उससे बढ़कर है। वचन और प्रभु ने कुछ करने के लिए खुद को जोड़ा है मेरे लिए वाचा के रूप में। यह बड़ा है क्योंकि वो जो भी कहता है वो करता है, कभी असफल नहीं होता, इसलिए यह सबसे बढ़कर है, यह बड़ा है। मैं जिन आर्थिक समस्याओं में से जाता हूं उससे, मैं बीमारी का सामना करता हूं उससे बढ़कर है, मैं जिन पारिवारिक समस्याओं का सामना करता हूं उससे बढ़कर है, ये किसी भी समस्या से बढ़कर है। शायद आप कहें समस्या मेरी बड़ी है, मैं बताऊं ये उससे बढ़कर है। आपकी समस्याएं शायद पूरी हो या ना हो, लेकिन ये अवश्य ही पूरा होगा। आमेन। इसलिए बड़ा है, इसलिए सिद्धांत की किताब नहीं है। जब भी मैं इसे खोलूं और मैं इसे देखूं, क्योंकि ये वाचा का वचन है, यीशु मसीह के लहू की मुहर लगी है इस पर। जिस प्रभु ने कहा वो झूठ नहीं बोलता ना बोल सकता, उसने कहा है, ये वचन उसके है। इसलिए मैं अपना समय अलग करूंगा, द्वार बंद करूंगा, मैं अपनी खिड़कियां बंद कर दूंगा, मैं दूसरी चीजों को देखना बंद कर दूंगा, मैं बाकी सारी चीजों को देखना बंद कर दूंगा, मेरे सामने की चीजों को नहीं देखूंगा, और मैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन पर गौर करूंगा। प्रभु जो झूठ नहीं बोल सकता, उसने कहा है। प्रभु जो कहता है वो हमेशा करता, उसने कहा है। प्रभु जिसके वचन कभी खाली नहीं जाते, उसने कहा है। यही कारण है कि मैं द्वार बंद करता हूं और मैं बैठ जाता हूं और अपना सिर इसमें रखता हूं और इसे देखते रहता हूं और इन वचनों को अपने मुंह में और अपने दिल में रखता हूं, क्योंकि जीवन में यही तो सबसे निश्चित बात है। ये बाकी सारी चीजों से ज्यादा निश्चित है। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine, open the eyes of the blind, there's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise, there's no one like you. Stronger, God, you are higher than any other. I got a healer, awesome and power. I got is greater. I got is greater. I got is stronger. God, you are higher than any other. I got a healer, awesome and power. I got.
praise in this place. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. And if our God is with us, then I want everybody to say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand?